सर्वप्रथम तो मैं पहले इंट्रोड्यूस करता हूँ, फिल्म के लेखक हैं प्रवीण सोलंकी, नट सम्राट फिल्म के दिग्दर्शक निर्देशक हैं जैन गिलाटर साहब, और निर्माता हैं राहुल जी। किधर हैं ये राहुल जी? हैं आज हम यहाँ मुनि श्री के महाराज साहब के आशीर्वाद लेने यहाँ आए थे। हमारी फिल्म जो है नट सम्राट गुजराती में, तो वो फिल्म के विषय में तो प्रवीण भाई बहुत अच्छी तरह से, फिल्म क्या है, किस प्रकार से लिखी गई है, महाराज श्री ने ये कहा कि आजकल जो संबंध जो हैं माँ बाप के संतानों के अपने साथ, कि सभी संबंध जो हैं वो स्वार्थ से भरपूर होने लगे हैं, तो वो क्यों हुए हैं, किस लिए हुए हैं, वो तो हर एक संबंध के अपने अपने दायरे होते हैं उस हिसाब से, बट उन्होंने ये कहा कि ये फिल्म हर माँ बाप ने, हर संतानों ने अपने साथ बैठकर देखनी चाहिए, और ऐसी संस्कारी फिल्म आप बनाते रहिए ताकि लोगों तक वो मैसेज भी पहुँचे। तो महाराज श्री ने हमें आशीर्वाद भी दिया, और नट सम्राट जो फिल्म है उसमें जो काम करने वाले कलाकार हैं, सिद्धार्थ रांदेरिया गुजराती नाट्य जगत के बहुत ही सीनियर मोस्ट कलाकार हैं, यशस्वी कलाकार हैं, और उनकी पत्नी का रोल जो निभा रही हैं वो है दीपिका चिकलिया जी, जिन्होंने रामायण में सीता की भूमिका निभाई थी। बहुत ही मतलब ये ऐसे लेजेंडरी पर्सनालिटी हैं अंदर, मैं भी एक रोल अंदर कर रहा हूँ, वो सिद्धार्थ जी जो पात्र निभा रहे हैं उनके मित्र का पात्र है, और माधव नाम है मेरा उस पात्र का, और सच्चा दोस्त, और दोस्त भी कैसा हो सकता है जीवन में। तो बहुत सारी ये कहानी के विषय में तो प्रवीण जी कहेंगे, बट एक निश्चित रूप से कहूँगा कि गुजराती फिल्म इंडस्ट्री का जो स्वरूप पिछले 3 साल में बदल रहा है, जिस प्रकार से बदल रहा है, उसमें ये जो नट सम्राट फिल्म है वो घर घर में हर तबके के लोगों को, हर एज ग्रुप के प्रेक्षक को ये फिल्म बहुत ही अच्छी लगेगी, और ये फिल्म में से वो घर तक कुछ डेफिनेटली लेकर जाएंगे, और वो उनके मन में तो रहेगी, उनके मस्तिष्क में भी रहेगी, और वो और लोगों को भी बोल पाएंगे कि आप जाके देख कर आइए। तो इस प्रकार की फिल्म बनी है, ये नहीं कि मैं 120 फिल्मों में काम कर चुका हूँ आज तक, लेकिन गुजराती मेरी मातृभाषा है, और मेरी मातृभाषा की फिल्मों में मैं हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लेता हूँ। साल में मिनिमम एक फिल्म ज़रूर करूँगा, ऐसा प्रण लिया है, और मैं वो करता रहता हूँ। मैंने तीनों भाषा में काम किया है, मराठी, गुजराती, हिंदी, और तीनों माध्यमों में काम किया है, चाहे वो रंगमंच हो, सीरियल हो, या फिल्म हो। लेकिन गुजराती फिल्म इंडस्ट्री धीरे धीरे बढ़ रही है, गुजराती फिल्म इंडस्ट्री का जो दायरा है वो विश्वव्याप्त है, मतलब पूरे वर्ल्ड में गुजराती कोने कोने में बसता है, लेकिन वहाँ तक चैनल पूरा नहीं हुआ है, और उसकी भी शुरुआत थोड़ी बहुत हो चुकी है। तो ये नट सम्राट जो फिल्म है वो निश्चित रूप से लोगों को, मतलब हर भाषा के लोग देख सकते हैं, मतलब फिल्म एक भाषा का दायरा नहीं होता, मराठी फिल्में भी हिंदी लोग देखना चाहते हैं, जाते हैं, हम भी साउथ इंडियन फिल्में देखते हैं, तो किसी भी भाषा का प्रेक्षक जो है वो ये फिल्म ज़रूर देख सकता है, और उसके मन को और उसके दिमाग को डेफिनेटली ये छू कर ही रहेगी, इसमें कोई शंका को स्थान नहीं। तो बहुत ही अद्भुत फिल्म बनाई है, जैन गिलाटर साहब ने बहुत अच्छा दिग्दर्शन किया है, प्रवीण सोलंकी जी, उन्होंने आज तक 210 नाटक लिखे हैं खुद, और ये फिल्म के लेखक भी वही हैं, और राहुल सुगन जी सुगन परिवार से हैं, इतनी अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने दी हैं हिंदी में कि मतलब क्या, कितनी फिल्मों के नाम गिनाऊं, उसमें रंगीला है, सरकार है, तो उनको डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रोडक्शन का अनुभव कुटुंब में ही है, तो ऐसी जो भट्टी है वो अच्छे तरीके की जमी हुई है, और इसलिए इसमें कोई भी अंदर का जो भाग है, चाहे वो सेट डिज़ाइन हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो अभिनय का क्षेत्र हो, चाहे वो राइटिंग पार्ट हो,
सभी अंगों से परिपूर्ण ऐसी फिल्म बनी है और डेफिनेटली गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में ये एक मोरपीच का स्थान धारण करेगी ऐसा हमें लगता है। और प्रेक्षकों से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि आज गुरुजी के आशीर्वाद भी मिले हैं महाराज साहब के, प्रेक्षकों से आह्वान करना चाहता हूँ कि ये नट सम्राट जो फिल्म है वो थिएटर में जाकर देखें और न उसकी पायरेसी को बढ़ावा देने का कोई भी काम, न गुजराती फिल्म किसी भी फिल्म को वो पायरेटेड वर्जन में न देखे, क्योंकि आप सिर्फ आप 5 रुपये में या 15 रुपये में फिल्म देख रहे हैं लेकिन उसके साथ में करोड़ों का नुकसान प्रोड्यूसर का तो होता ही है पर साथ में पूरी इंडस्ट्री को करोड़ों का नुकसान होता है। उसमें काम करने वाले हर एक कलाकार हर एक तंत्रज्ञ का वो नुकसान है, ये पहले मानिए।